पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर एक्ट्रेस जिसने 21वीं सदी के अवाइल में कैरियर की शुरुआत की और अपनी पहली ही फिल्म से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर जा पहुंची, बहुत ही प्यारी, दिलकश और हसीन फिल्म स्टार ज़ारा शेख साहिबा। फिल्म स्टार ज़ारा जो 1 जून को लाहौर में एक मतवस्त घराने में पैदा हुई, वालद सरकारी ऑफिसर थे और वालदन ज़ारा शेख को भी सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते थे। फैमिली में से कोई भी शोबिज में नहीं था और यही वजह है कि ज़ारा शेख ने आज तक कभी अपनी फैमिली के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि ज़ारा ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये 4 बहनें और 2 भाई हैं। ज़ारा शेख ने कैरियर का आगाज 90 की दहाई के आखिर में किया, बतौर मॉडल शोबिज इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई। फिर पाकिस्तानी मशहूर सिंगर यासर अख्तर के एक वीडियो सॉन्ग में भी देखा गया जिसके बोल थे, ओ सनम। ये वीडियो सॉन्ग बहुत कामयाब हुआ और इसी वीडियो सॉन्ग की बदौलत ज़ारा शेख के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। ज़ारा शेख को पाकिस्तानी नामवर फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी ने अप्रोच किया और अपनी फिल्म में कास्ट करने की ऑफर की। फिल्म में हीरो शान शाह थे। फिल्म का नाम था तेरे प्यार में, जो 28 दिसंबर 2000 को रिलीज हुई और देखते ही देखते ये फिल्म सिनेमा घरों पर छा गई। जाती तौर पर मेरी जिंदगी की पहली फिल्म जो मैंने किसी भी सिनेमा घर में देखी थी, यानी जिंदगी में पहली बार जब मैं किसी भी सिनेमा घर गया तो मेरी पहली फिल्म का नाम था तेरे प्यार में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। फिल्म तेरे प्यार ने लाहौर सर्किट में डायमंड जुबली मनाई, जो 109 हफ्ते लगातार सिनेमा घरों की जीनत बनी रही, जबकि इसी फिल्म ने कराची सर्किट में भी सिल्वर जुबली मनाई। इस फिल्म के गानों को भी बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इस फिल्म की स्टोरी दरअसल पाकिस्तान और भारत के मबैन दुश्मनी पर मबनी थी, जबकि ज़ारा शेख का ताल्लुक एक सिख फैमिली से था जो अपनी फैमिली के हमरा पाकिस्तान विजिट करने आती है और यहाँ पर शान शाहद के प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। फिर शान शाहद प्रीति को मिलने हिंदुस्तान जाता है। मुसलमानों और सिखों के दरमियान हिंदुओं ने जो नफरत का बीज बोया था उसको इस फिल्म में बहुत उम्दगी के साथ दिखाया गया और यही फिल्म इंडियन पंजाब में भी बहुत मकबूल हुई। फिल्म स्टार ज़ारा शेख के कैरियर की इस पहली फिल्म ने उसको रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ज़ारा शेख दरअसल बहुत ही प्राइवेट और लिमिटेड पर्सन है, अपने आप में रहने वाली लड़की है जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करती है। इसी वजह से अपनी पहली ही फिल्म में हिट होने के बावजूद 2 साल फिल्मों से दूर रही। बहुत सारी फिल्मों की ऑफर हुई मगर किसी भी फिल्म में काम करने की हामी नहीं भरी। हर इंसान की अपनी नेचर है। ज़ारा शेख खुद में रहने वाली लड़की है जो काम के मयार को तरजीह देती है। शायद इसी वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर और डायरेक्टर्स ज़ारा शेख को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में वो बहुत घमंडी लड़की है जो खुद को बहुत बड़ी एक्ट्रेस या कोई बड़ी चीज समझती है। और हमारे ख्याल से भी ज़ारा शेख की इस सोच ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी ज़ारा शेख अपने कैरियर और फैसलों से मुतमईन है, जो कि खुद एतमादी की एक मिसाल है। ज़ारा शेख ने दूसरी फिल्म 2003 में की जिसका नाम था ये वादा रहा, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में एक बार फिर ज़ारा के साथ शान शाह थे। फिर इसी साल खालिद रऊफ की डायरेक्शन और प्रोडक्शन में फिल्म लाज रिलीज हुई जिसमें ज़ारा शेख के हमरा एक नया फिल्मी हीरो आया जिसका नाम था इमरान खान। ये फिल्म कामयाब हो गई जो 33 हफ्ते लाहौर सर्किट पर चली और सिल्वर जुबली मनाई। फिर इससे अगले साल 2004 में शहजाद रफीक की फिल्म सलाखे रिलीज हुई जिसमें ज़ारा शेख के हमरा अहमद भट्ट हीरो, जबकि सऊद और मीरा भी इस कास्ट का हिस्सा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसने लाहौर सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई जो 73 हफ्ते लाहौर गुलिस्तान सिनेमा में चली। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया। ज़ारा शेख को उसको उसकी पहली फिल्म तेरे प्यार की निस्बत से याद किया जाता है। जिस तरह फिल्मों के मामले में बहुत मोहतात दिखाई देती हैं, वैसे ही जाती जिंदगी में भी बहुत सेंसिटिव इंसान है। ज़ारा शेख अभी तक कुंवारी हैं। उसको अभी तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसको अच्छा लगा हो, जिसे देखकर लगा हो कि ये परफेक्ट पर्सन है। ज़ारा शेख और मिकाल जुल्फकार दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बल्कि दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मिकाल जुल्फकार के बाद ज़ारा शेख को आज तक कोई भी मर्द पसंद नहीं आया। इस वक्त अंदाजन ज़ारा शेख की उम्र 40+ है। हम ज़ारा शेख साहिबा को मशवरा देना चाहेंगे कि जिंदगी इतनी भी डर कर नहीं गुजारनी चाहिए। जो इंसान हारने से डरता हो वो कभी नहीं जीत सकता। जीतने के लिए रिस्क लेना और हारने का खौफ जहन से निकालना होगा, तभी इंसान कामयाब होता है। आपके मदा आपको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। शायद आपने अपने अरूज के दौर में काम को लेकर इतना ज्यादा मोहतात रवैया अपनाया कि अब कोई भी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपसे रब्ता करने और काम की ऑफर करने की जरूरत नहीं करता। ज़ारा शेख 2019 में फिल्म हीर मांझा के एक वीडियो सॉन्ग में नजर आई। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ज़ारा शेख साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती और ऐसा जीवन साथी अता फरमाए जिसके साथ वो खुशोखुरम जिंदगी गुजार सके।
अगर आप ज़ारा शेख साहिबा को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के लेजेंड फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। स्क्रीन पर आप फनकारों की वीडियोज के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोज हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर ये तमाम वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो इनका लिंक भी उसी प्लेलिस्ट जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, उसमें मौजूद है, जिसको लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।